डिस्क्लेमर, ये वीडियो का उद्देश्य किसी भी धर्म संप्रदाय जाति को ठेस पहुंचाने का नहीं है। ये वीडियो का उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन है। कृपया आप इस वीडियो को सिर्फ मनोरंजन की तरह लें। इस वीडियो में बहुत ही गंदी लैंग्वेज का प्रयोग किया गया। अगर आप निशा का फैन है तो इस वीडियो को सिर्फ 2 ही मिनट तक देखिए। अगर आप नहीं है तो इस वीडियो को पूरा देखिए। रोहित, ईयरफोन तो कान में डाल ले बेटा। माँ, ईयरफोन कान में नहीं, कान में डाला जाता है। आप भी ईयरफोन कान में डाला करिए, कान में नहीं। हाँ तो हेलो गाइज, वेलकम टू स्टार्ट टू चैनल। तो गाइज, आज की वीडियो में लीजिए निशा आज की वीडियो होने वाली निशा गुरगेन। हाँ तो गाइस, अगर आप चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि फ्यूचर में आपको ऐसी वीडियो देखने। हाँ तो गाइस, बहुत समय से चल रहा निशा गुरगेन, भाई साहब माथा खराब हो गया निशा गुरगेन सुन के। तो सबसे पहले आप उसका स्टेटमेंट देखिए। जब उसका MMS लीक हुआ तो पुलिस गांड में घुसी, उसके बाद स्टेटमेंट आया, आप पहले वो देखिए। हाँ तो गाइस, इसमें साफ साफ कहा गया है कि स्नैपचैट के ID पे इसने खुद ही 2 घंटे के लिए अपना वो वीडियो लगाया था जो MMS लीक हुआ है। वो वीडियो उसने स्नैपचैट की स्टोरी पे सिर्फ 2 घंटे के लिए इसने लगाया था। आप लोग चाहे तो वीडियो पॉज करके वो सब पढ़ सकते हैं। और एक सबूत ये रहा आपके लिए, मैं दिखा देता हूँ। वीडियो में तो आप बहुत ही मस्त थी और पूरा वीडियो। ओह माय गॉड, मैं मस्त थी, आप जान गए ना कि मैं हूँ, बस और क्या चाहिए। टपा टप टपा टप टपा टप, मालूम ना कैसा लेते फिर। टपा टप टपा टप टपा टप, अभी बता दे भाई, एकदम उसको एकदम वायरल कर दो पूरे इंडिया में। मैं कह रही हूँ दुबई। हाँ तो गाइस, इससे साफ साफ साबित होता है कि ये सब पब्लिसिटी स्टंट था। ये फेमस होने के लिए किया गया था, सेलिब्रिटी बनने के लिए किया गया था। अगर आप निशा गुरगेन के फैन है तो यहाँ से आप वीडियो पॉज कीजिए और चले जाइए, क्योंकि मैं यहाँ पर निशा गुरगेन को बहुत गंदी तरह से रोस्ट करने वाला। हाँ तो गाइस, आओ अब अपनी बकचोदिया स्टार्ट करते हैं और लेते हैं अच्छी तरह से इनकी, बहुत अच्छी तरह से लिया जाएगा। हाँ तो गाइस, सबसे पहले चीज, एक नेपाल लड़की है और इंडियन लोगों के बारे में क्या सोचती है, मैं आपको एक क्लिप दिखाता हूँ। हाँ, ये दुनिया बहुत खराब है, ये इंडियन लोग है ना, मतलब इंडियन लोगों में कम से कम इडली पता है, इटली नहीं पता है, डोसा भी पता है, मतलब बहुत, मतलब 50% लोग तो ऐसे हैं ना। गाली जो दे रहे हैं उनके घर वालों ने शायद इंडिया, हाँ यार इंडिया के लोग बड़े ही वो हैं, मतलब इतना प्यार देते हैं मुझे। एक चीज बताऊं, इंडियन लोग ही तेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, अगर वो भी हट जाए ना तेरी तो अच्छे से ले ली जाएगी। और क्या तू बोल रही है इंडियन लोग वो क्या लावड़ा फंस गया मुंह में। और तो और ऊपर से ये डंडी रोना भी रो रही थी इंस्टाग्राम पे लाइव आके, तो उसकी वजह से मुझे और मेरी फैमिली को क्या क्या देखना पड़ रहा है और कैसी कैसी सिचुएशन फेस करनी पड़ रही है वो हमें पता है। एंड मैं लिटरली डिप्रेशन में चली गई हूँ, मैं दवाइयाँ ले रही हूँ। नहीं, ऐसे लोग सेलिब्रिटी बनने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, पहले खुद ही वीडियो को वायरल करते हैं, फिर डिप्रेशन में आ जाते हैं लोगों की सिंपैथी लेने के लिए और गान बनाते हैं ऐसे लोग, और हमारे इंडिया के लोग उनको सपोर्ट भी करते हैं। और गाइस, मैं ये कहना चाहती हूँ आप लोगों से लाइव आके कि अभी मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि आप डीएक्टिवेट कर रही हो ID एंड आप स्टोरीज नहीं पोस्ट कर रही हो, वीडियो नहीं डाल रही हो। हां तो आपको ID डीएक्टिवेट करना बनता है। आप लोग इंस्टाग्राम पे लाइव आके अपनी सिंपैथी जोड़ रहे हैं कि मुझे सपोर्ट करो, लौड़ा लहसुन करो, तो ऐसा थोड़ा ना होता है। निशा गुरगेन, इंडिया के लोगों ने तुमको बनाया है, नेपाल में तो लौड़ा का सरकार है। इन्होंने पब्लिसिटी स्टंट किया, हमारे लौंडे बाथरूम में जाके स्टंट करते हैं, कतई लौंडे इनको देख के फ्लिप मारते हैं। नहीं, मैं बताता हूँ ना शादी के बाद क्या होता है। शादी के बाद ये हुआ था। बेबी, आपको तो मैं खुशबू से पहचान लूंगा, कुत्ता है क्या? देखो, कुत्ता तो नहीं है हम, भले ही आपको सूंघ के ना पहचाने, लेकिन जब भी बाथरूम में जाएंगे तो आपको जरूर पहचानेंगे। वो सब तो ठीक है, लेकिन इस लौंडे को देखो और इसकी हंसी देखो, चिमगादड़ जैसी लग रही, एकदम कटती। और ये लोग आगे कहाँ जा रहे? अच्छा, रूम ID पासवर्ड मिल गया है, कल फिर से MMS लीक होगा। और ये गाना इन पे सूट नहीं करता, तुम मेरा गाना सुनो, एकदम सूट करे, ना सूट करे तो मेरा नाम चेंज कर देना। तुम मिले लंडखी ले, फिर बेड ही ले, फिर MMS निकले, फेमस होने के लिए क्या चाहिए। ऐसा लगा मेरा मजाक। क्यों गए, सूट करता है ना इनपे, इंडिया के लोग वो हैं और इंडिया के लोग इनको भी जमीन पे ला देंगे, इनको नहीं पता है। मदरचोद, क्या बकचोदी है, कैसे लोग इन लोगों को देख लेते हैं, फेमस के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी हद तक जा सकते हैं, पब्लिसिटी स्टंट करते हैं। अरे गोठारी को कीच, अरे पहली पहली बाग गया,
अरे गाइस इस वीडियो पे भी मैंने गाना बनाया, नहीं मैंने नहीं मेरे दोस्त ने बनाया, थोड़ा सुन लो मजा आ जाएगा। अरे मेरे तेरे आलू जैसे बैगन का है बढ़ता, तेरे पापा ने घसीटा मम्मी उबड़ता, अरे टपा टप ऐसा लगा मेरा मजाक। कैसा लगा गाना कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हाँ तो गाइस इस वीडियो को एज ए मनोरंजन एज ए कॉमेडी वीडियो तरह लेना, इसका मतलब भी नहीं कि आप जाकर किसी को हेट स्प्रेड करो। निशा गुरुगन की वीडियो जो लीक हुआ है तो उसको शेयर भी करना बंद करो, एज अ इंसानियत दिखाओ, शेयर ना करो उसको। हाँ तो अगर निशा गुरुगन के स्टेटमेंट तो यही लगता है कि भाई उसने खुद ही वो MMS लीक किया है, तो उस लौंडे की हालत क्या होगी जो उस वीडियो में था MMS में था। तो दूसरी चीज़, अगर किसी दबाव में इसने अपना MMS लीक किया है तो इसको सपोर्ट भी करना, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर इसने गलती की है तो समझो, तुम लोग समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच।